हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सो सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। गाइस वेलकम एवरीवन टू द सेशन। सो नीट 22 एकदम बगल में है, तो उसके लिए कुछ बढ़िया सवाल कर लेते हैं जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाए नीट 22 में। फॉर दो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनका रेगुलर प्रैक्टिस रहे और बायो में जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया सवाल कर ले, बिकॉज येस यू नो दैट बायो अल्टीमेटली मैच मेकर है कि आप खड़े रहने लायक बन पाओगे अगर आपका बायो में स्कोर सही रहा तो। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सीरीज गाइज। आइए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन आ चुके हैं। मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? मेरी आवाज़ आ रही है तो फिर चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है गाइज, यहाँ पे रेडी हो जाइएगा। ओके, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एबसेंट इन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है किसमें एबसेंट होता है? ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस को फंजा इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल डी कैट है। ओके, डी सी ए टी है। ओके, सी ए टी इसके एग्जाम्पल से याद रख लीजिएगा। ओके चलिए, अब कैट बिल्ली वाला नहीं लेकिन ओके चलिए। नाउ नेक्स्ट सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, एनसीईआरटी का लाइन है डिकम्पोजर प्रोटेस्टार। ओके, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटेस्टार डैश। सो आंसर यस क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर है स्लाइम मोल्ड्स। अगेन ये किंगडम प्रोटेस्टा में ही है, सो इसका आंसर आ गया स्लाइम मोल्ड्स। याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया गाइज, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा आई गेस। ओके, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिख जाए। राइट, अभी दिख रहा होगा आई गेस। सो क्वेश्चन नंबर 3 में सिकोइया के बारे में पूछा गया। अच्छा सवाल है वैसे तो ये। क्वेश्चन नंबर 3, सिकोइया, यस आपको पता है जिम्नोस्पर्म है, बट ये टॉलेस्ट है। सो ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म नहीं होगा। सो 3 का हो जाएगा 4। इसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, है ना, जायंट रेडवुड ट्री। सो 3 का 4 हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th आ गया गाइज, इंटरेस्टिंग सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी मेरिस्टेम नीडेड फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम बढ़िया वाला। मतलब एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा है प्राइमरी इन ओरिजिन करके, सो ये आना चाहिए आपको। बताइए, प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में चाहिए। सेकेंडरी ग्रोथ में आपको कैम्बियम चाहिए था। अब आप यहाँ पे बता दो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यस ये प्राइमरी प्लांट बॉडी से ही प्रेजेंट होता है ना, ये इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकल मतलब क्या होता है? फेसिकल वास्कुलर बंडल के बीच में जो प्रेजेंट है, जाइलम फ्लोएम के बीच में, राइट। ओके, तो 4 का आंसर 1 हो जाएगा या ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, एक और ओपी सवाल। और चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे गाइज इसका आंसर क्या होना चाहिए। लाइक जरूर कर देना, बिकॉज यस अगर आप चाहते हो मैं लास्ट 7 डेज में पूरा रैप अप कर दूँ एकदम तेजी के साथ, बढ़िया सवाल, तो अब जल्दी से बता दो। इसका पीवीपी इज द चीट कोड, पेरिसाइकल वास्कुलर बंडल और पिथ। अब वास्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ जाइलम फ्लोएम, तो उसको ये लोग अलग करके लिखे हैं, है ना, जाइलम फ्लोएम को अलग करके लिखे हैं। सो पी ये हो गया ए बी डी एंड ई, राइट, यही होगा ना इसका आंसर। सो ए बी डी एंड ई 5 का 1 हो गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं गाइस यहाँ पे, लेट्स सी, चलिए आइए देखते हैं। ओके नहीं, मैं अब ये मुन्ना मैन अकेडमी छोड़ दिया वैसे तो। ओके, मतलब काइंड ऑफ छोड़ दिया। सो फिर यहाँ पे अभी हम लोग इसीलिए यूट्यूब कर रहे हैं। आइए देखते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, ओपी सवाल है। ऐसा सवाल आएगा तो आधे बच्चे गिर जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन इसका आंसर करेगा। सोमाटिक सेल हैज 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन जी1 स्टेज, राइट, ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ डॉटर सेल? ओके, जल्दी से बता दीजिएगा। डॉटर सेल में देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे मियोसिस का तो बोला ही नहीं है। यहाँ पे बोला है क्या मियोसिस? नहीं बोला। ऑब्वियसली तो ये माइटोसिस हो रहा है। सो यहाँ पे 10 पिकोग्राम आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 20 का, ये 20 रहेगा। कैसे? अब मैं बता दे रहा हूँ। जी1 पे 20 पिकोग्राम था, एस तो होगा ही ना, एस के एस में 40 हो जाएगा, जी2 में 40 रह जाएगा, फिर जो एम फेज होगा माइटोटिक फेज, उसमें 40 आधा आधा में बट जाएगा। सो इसका आंसर 20 पिकोग्राम होगा। प्लीज याद रखना, ध्यान से देखना सवाल में माइटोसिस लिखा है या मियोसिस। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, एक और बढ़िया सवाल है। एनसीईआरटी, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट इन द हेड ऑफ एम्ब्रायो ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का। ओके, बेसिकली कितने सेगमेंट का है भाई हेड, जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पे। ओके, लेट्स सी गाइस यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए। वॉट यू फील इज, ये सबको पता है कितना सेगमेंट होता है, मोबाइल हेड है। यस, वेरी गुड, जल्दी से लगा दीजिए मोबाइल हेड, सबको एनसीईआरटी में लिखा है।
क्या हो जा रहा है? मोबाइल ट्रायंगुलर जैसा पढ़ा भी था तुमने, सिक्स पढ़ा था क्या? यस। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर सेवन तो हो गया, क्वेश्चन नंबर एट करें क्या? क्वेश्चन नंबर एट आ रहा है, एक और प्यारा सा सवाल। नंबर ऑफ टाइम, कितना बार मोल्टिंग होता है कॉकरोच में? सीधी बात है गाइस, यहाँ पे मोल्टिंग कितने बार होता है? 13 बार होता है मोल्टिंग। लास्ट वाला मोल्टिंग में क्या उड़ना सीख जाएगा ना? ओके, एट नंबर डन। क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन आ गया। ओके, द चाइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमराइजेशन से? अगेन आपको पता है चाइटिन, चाइटिन किसके कारण बना था भाई साहब पॉलीमराइज होके? यस, नैग के कारण, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, याद रहेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस, सिंपल सा था वैसे तो ये, एकदम आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर टेंथ पे चलते हैं। चलिए फिर, क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्वेश्चन नंबर टेंथ आ रहा है, क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 10, रेनिन इज सिक्रीटेड बाई, एकदम NCERT का उठा के डाला है, रेनिन इज सिक्रीटेड बाई, RENIN स्पेलिंग। देखो, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन RENIN एंड RENIN। ये वाला तो गैस्ट्रिक में पढ़ा था तुमने, गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट का, और ये जो रेनिन है ये JG सेल से निकल रहा है, JG सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ओके, याद रहेगा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल, नाउ नेक्स्ट सवाल करें क्या? आइए, क्वेश्चन नंबर 11 था रहा, एकदम कॉपी पेस्टेड NCERT का डेफिनेशन, वहीं से पूछा गया आपसे सवाल है। चलो देखते हैं कौन इसका बताएगा। ओके किम जोंग, अभी आप जल्दी से इसका आंसर कर दो पहले, क्या सवाल है ये वाला, आइए पढ़ लेते हैं। लेट्स सी गाइज, यहाँ पे हॉर्मोन्स आर डैश केमिकल विच एक्ट एज डैश मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन डैश अमाउंट। क्या लगता है? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, सबसे पहला डेफिनेशन के तीन ही कीवर्ड्स थे जिससे आपको सवाल पूछा गया है, नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेलुलर है, एक सेल से निकल रहा है तो दूसरा सेल में जाके एक्ट कर रहा है, नॉट इंट्रासेलुलर, एक सेल के अंदर ही काम नहीं कर रहा ना। इंटर का मतलब होता है कि एक से निकलेगा दूसरे में जाएगा, और इंट्रा मतलब इसी के अंदर, जैसे मैं बोलता हूँ कि इंट्रा कॉलोनी या इंट्रा बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, मैं एक ही बिल्डिंग के अंदर कॉम्पिटिशन करवा रहा हूँ। अगर मैं बोला इंटर बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, मतलब 10-15 बिल्डिंग के बीच का कॉम्पिटिशन, सिंपल था, समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉन न्यूट्रिएंट हो गया, इंटर सेलुलर और ट्रेस अमाउंट, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया गाइज, अगेन एक ईजी सा सवाल है। तो बेसिकली आपको क्या बोला है, सप्रेस कौन करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन और चर्निंग मूवमेंट इन द स्टमक? तो देखो, गैस्ट्रिन तो बढ़ाता है, आपको पता है गैस्ट्रिन बढ़ा रहा था गाइज यहाँ पे। चलिए आइए देखते हैं, आवाज आ रही है मेरी? गैस्ट्रिन तो बढ़ा रहा था, सो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, एंटरोगैस्ट्रॉन हो जाएगा। यस, वेरी गुड, एंटरोगैस्ट्रॉन इज द आंसर ऑफ चॉइस, एंटरोगैस्ट्रॉन, प्लीज याद रख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे लोकल हार्मोन है GI ट्रैक्ट में जो आस पास में ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल, द हार्मोन यूज्ड इन वन ऑफ द एनिमल ब्रीडिंग मेथड मोएट शोज एक्टिविटी विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ डैश, डैश लाइक हॉर्मोन चाहिए था ना, डैश लाइक, FSH लाइक, NCERT का लाइन। चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, ये तो आप सभी बता पाओगे, हिसारडेल, बीकानेरी ईव और मरीनो रैम, है ना, हिसारडेल वाला याद है, बीकानेरी ईव मरीनो रैम वाला, तो जल्दी से बता देना मुझे, बीकानेरी ईव मरीनो रैम, यस गो फॉर इट गाइज, क्रॉस वाला याद आ रहा है, क्रॉस ब्रीड बड़ा था क्या, भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, ना उन्हें एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। अब ये भी एक लाइन NCERT का है, अब नीट से पहले तो NCERT इंपॉर्टेंट है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी रिमूव्ड बाय सिंगल डैश, जल्दी से बता दीजिएगा, एक सिंगल आउट क्रॉस, सिंगल आउट क्रॉस से आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ठीक कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टर्म है NCERT का। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, क्या सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड अपन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, याद रखिएगा एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन किस में होता है, एलाइजा में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके एलाइजा याद रखना है आपको, ओके और एलाइजा में की रिएजेंट कौन था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, याद आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, हमने याद करवा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लोग बोलते हैं बड़े सवाल भी करने चाहिए, है ना, ओके तो चलिए आइए, एक बड़ा सवाल आ गया आपके स्क्रीन के सामने, पढ़ो, बहुत ही बढ़िया सवाल है वैसे ये, आ जाओ देखते हैं कौन इसका आंसर कर पाएगा, आइए लेट्स सी, इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया आपको गाइस, आइए एक बार जल्दी से रीड कर लो आप, अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो,
ओके लेट्स सी। सो यस, क्या सवाल है यहाँ पे, आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं और लाइक सो जाने चाहिए, शेयर मार देना गाइस। बहुत ओपी सवाल है आपके लिए, अगर आप चाहते हो हम डेली करें तो, मेरा भी मन है डेली करने का। तो लेट्स सी, हम लोग कल कुछ और रैंडम और बड़ा सा प्लान करते हैं, और वो कैसे पता चलेगा कि सौरभ भैया क्या प्लान किए हैं। इनफैक्ट आप ये चैनल अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपके MBBS में भी बहुत मदद मिलने वाली है, बिकॉज यस वी डू मेक वीडियोज़ फॉर MBBS स्टूडेंट एज वेल। ओके एनीवेज, सो टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाना, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। आ जाओ लेट्स सी क्या सवाल है। ओनली पेक्टोरल गर्डल हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ लिम्ब बोन। हाँ पेक्टोरल, पेल्विक गर्डल का क्या काम है फिर, पेल्विक का भी तो है ना। ओके हाइंड लिम्ब, और ये बेसिकली आपने फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दो के बारे में पढ़ा था। फोर लिम्ब के लिए क्या था, पेक्टोरल, पेल्विक फॉर, पेल्विक गर्डल फॉर हाइंड लिम्ब्स था। सो और क्या, क्लेविकल स्कैपुला फाउंड इन पेक्टोरल गर्डल, कॉलर बोन क्लेविकल को ही बोलते हैं, कॉक्सल बोन पेक्टोरल गर्डल में नहीं होता है, कॉक्सल बोन कहाँ था, पेल्विक गर्डल था ना। सो ये गलत है, तो 2-3 करेक्ट है, तो आंसर इसका ये आ गया। क्लियर, देखो अच्छा सवाल था। आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सबको पता है, NCERT में दिया है। ओके माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पूछा है। माइस्थेनिया ग्रेविस भाई क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर राइट। ओके एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो क्या कर, कहाँ पे जाके डैमेज कर रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जा रहे हैं, जो रिसेप्टर है उनके अगेंस्ट बने हैं ना ये। ओके क्वेश्चन नंबर 19 हो जाए, 19 नंबर सवाल, इंटस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस सिक्रीट। अब ना व्हाट इज इंटस्टिशियल सेल, अरे भाई बीच बीच में जो हमने पढ़े थे ना, इस साइड की तरफ जो सेल्स होंगे है ना, याद आ रहा है आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे, और वो जो सेल पड़े बीच में। ओके नॉट इन द लूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन राइट। सो इसका आंसर आ गया दिस वन। 19 एकदम आसानी से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, 20 जल्दी से बताना क्या होगा इसका आंसर। बैम H1 रेस्ट्रिक्शन साइट इज लोकेटेड इन। आइए देखते हैं गाइज यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। बैम H1 के बारे में बोला है क्या, तो बैम इसके लिए एक चीट कोड था, मैंने दिया था TBS, TBS इज द चीट कोड राइट। TBS याद रख लेना और APP याद रखना, APP। ओके एकदम सिंपल लाइन ना, देखो इतना बड़ा बड़ा TVS की बाइक देखी है ना, TVS, तो हमको याद रखना है TBS और APP याद रखना है। TBS से क्या फायदा होगा, टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंट वाले में कौन कौन सा है, बैम और सैल, और APP में एम्पीसिलिन वाले में PVU1 और PST1, दैट इज इट सिंपल ठीक है। तो इसका PBR322 वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, एक पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, परसेंटेज ऑफ रेसेसिव ट्रेट फिनोटाइपिक इंडिविजुअल इज 36%, व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ हेटरोजाइगस जीनोटाइप कंटेनिंग इंडिविजुअल। बेसिकली आपको क्यू स्क्वायर बोला जा रहा है ना, आपको बोला है 2PQ बताने राइट। सिंपल फॉर्मूला, 36% है तो 6 निकलेगा यहाँ से, क्यू की वैल्यू 6 निकल जाएगी, या 0.6 जो आप याद रखते हो है ना, 0.6 राइट, ऐसे तो याद रखते हो 0.6, तो पी कितना आ जाएगा, हाँ 0.4 आ जाएगा। 2PQ निकालना है भाई, एकदम आसान है तुम्हारे लिए, 6 4 24 × 2 48% आ गया आंसर, दैट इज इट सिंपल राइट। यही है ना, सबने यही आंसर दिया आई गेस, आई एम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके लेट्स सी, यस समझ आ गया, एकदम सिंपल था। आइए नाउ नेक्स्ट सवाल करें, नाउ नेक्स्ट सवाल आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल, एक सेकंड, 22वां सवाल, आइए एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। ट्रांसजेनिक शीप प्रोड्यूसिंग अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के लिए यूज होता है, एम्फाइसीमा, और ये ट्रेसी जी थी ना, ट्रेसी शीप, यस वेरी गुड, लगा दीजिए, सिंपल था। नाउ इसमें एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वॉल डैमेज हो रहा है, तो सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज कम हो गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। कॉटन बॉल वॉर्म लिखा है यहाँ पे, कॉटन बॉल वॉर्म। अब देख तुमको दो चीज याद रखना है, एक कॉटन बॉल वॉर्म और एक कॉर्न बोरर। बॉल वॉर्म में बी के साथ क्या आ रहा है, बी के साथ दो आ रहा है। देखो तुम बोलोगे कैसे आ रहा है भैया बी के साथ दो, देखो बी के साथ डबल एल है, तो बी टू है ना, तो क्राई 2AB होगा, याद रख लेना, बी के साथ 2 है तो क्राई 2AB और क्राई 1AC, सिंपल ठीक है।
एकदम और कुछ बड़े बड़े झमेलों में फंसना ही नहीं है। बड़ा चीट कोड याद रखोगे एग्जाम में, चीट कोड याद रखोगे या फिर और कुछ फॉर्मूले बताओ तो। चीट कोड ऐसा है जिसको याद ना करना पड़े, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ द ऑसम क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। चलिए देखते हैं। डिप्लॉइड सेल हैज 20 क्रोमोजोम एंड 2C DNA एट G1 फेज। G2 फेज में कितना होगा आपको बताना है। चलो जल्दी से बता दो। बहुत ही बढ़िया सवाल है, लिटरली ऑसम क्वेश्चन। आइए देखते हैं कौन इसका आंसर कर सकता है। ओके लेट्स सी, जल्दी से लगा दो, बहुत ओपी सवाल है। ओके आराम से आप आंसर कर दोगे गाइज, यहाँ पे इजी है, इजी इजी इजी। इसमें तो एकदम चिल है ना, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं सवाल में। ओके जल्दी से बताएगा कोई, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो आपको पता है G1 फेज में क्या हो रहा है भाई, 20 क्रोमोसोम और DNA 2C है। DNA डबल कब होता है, S फेज में। तो S फेज में डबल हुआ तो G2 में भी तो डबल डब ही रहेगा, तो G2 में DNA 4C हो जाएगा। DNA 4C दो जगह दिया है तो बाकी तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। अब क्या बचा, याद रखिएगा क्रोमोसोम का नंबर, नंबर तो सेम ही रहेगा ना, नंबर थोड़ी डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहेगा, राइट। तो जल्दी से बता दो फिर आंसर क्या आना चाहिए। क्रोमोसोम का नंबर अगर फिक्स रहेगा सो यस, आपको आंसर आ गया ना, देखो बी आ गया यहाँ पे इजीली तुम्हारा, सो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, क्रोमाटिड डबल हो गया। NCERT में लिखा है क्रोमोसोम डुप्लीकेट किए हैं लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं किया गया है, ठीक है। इस फेज में आप क्रोमाटिड को अच्छे तरीके से, तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे भैया मैं तो नहीं देख पा रहा, लेकिन हो गया है ना इस फेज में, NCERT में भी लिखा है जी, इसीलिए इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। आ जाओ नाउ नेक्स्ट सवाल, अगर इस पे अभी अभी भी लगे तो पूछ लेना एक बार और, मौका मिलेगा तो मैं जरूर बोल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, अगेन एक बढ़िया सवाल। चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में वेरिएशन तो नहीं हो रहा है तो बी नंबर को हटा देते हैं, है ना। बी हट गया, आंसर आ गया ए एंड सी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 26। 26 नंबर सवाल आ रहा है, आओ पढ़ते हैं। ओपी सवाल है सर एक और यहाँ पे, आइए देखते हैं। ओपी सवाल है क्या ये, आजा गाइज यहाँ पे देखते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू हर्बेरियम। ऐसे सवाल करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो मार्क्स लाना, सो ऐसे सवाल तो बनाना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ देखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी गाइज यहाँ पे बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ। यस हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। शीट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज है, लेबल विथ डेट प्लेस ऑफ कलेक्शन, फ्यूचर यूज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है भाई। ओके फ्यूचर यूज़ के लिए तो रख रहे हैं, क्विक रेफरल सिस्टम भी है, बट ये लोकल नेम भी इंक्लूड होते हैं। ओके आइडेंटिफाइड ऑल्सो बाई देयर लोकल नेम, नहीं नहीं मैं जानता हूँ बट ओके वैष्णवी। ओके सो ये वाला तो गलत है, ऑल एक्सेप्ट एफ इज द आंसर ऑफ चॉइस। 26 का एक हो गया, देखो अच्छे सवाल है ना, ऐसे सवाल अगर आप चाहते हो ना मार्क्स बढ़ाना ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां सवाल। ओके 200 लाइक्स का मेम करते हैं इस पे, 200 लाइक जल्दी जल्दी करवा देना, तुम करो अपने पापा के मम्मी के भाई बहन सबके आईडी से करवा दो, ठीक है। ओके चलो आ जाओ गाइस यहाँ पे इसका आंसर करना। इन प्लांट द सब्सटेंस, देख अगेन NCERT का लाइन है, देख मैं एकदम लिटरली बोलूंगा, एक्सप्लेनेशन के बिना तो मजा ही नहीं है ना, है ना। ओके चलो देखते हैं। ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तुमको डिफ्यूजन चाहिए एंड डैश एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो याद रखना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज सप्लीमेंटेड बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब पैसे लगेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली इसका आंसर दिस फेलो एकदम सिंपल है ना। ओके चलिए आइए, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट सवाल करेंगे गाइस यहाँ पे, आ जाइए गाइस एक और छोटा सा सवाल करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। ओके लेट्स सी गाइस यहाँ पे। ओके चलिए नाउ नेक्स्ट सवाल करते हैं यहाँ पे, एक और छोटू सा है ये, 27वां तो आसानी से हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 28, बायोगैस कंटेन्स, पूरा पूरी NCERT है। बायोगैस में यहाँ पे आपको पता है दो तीन चीज़ें होती हैं, यस मीथेन के बारे में पढ़ा है और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, बट रेंज कितना है, 50 to 70% मीथेन, एकदम सही लगा दिया आपने आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, 29 क्या लिखा है गाइस यहाँ पे, एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। अब देख समझ,
इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम कब होगा? जब मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक बाहर से ऑर्गन लगा रहा हूँ, तो मेरा बॉडी को लगेगा ना कि यार ये तो विदेशी चीज़ को लगा रहा है, भगाओ इसे, इस विदेशी चीज़ को मारो जल्दी जल्दी। मैं चाहता हूँ वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल ना हो, है ना? मैं चाहूँगा वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल ना हो। सो डेफिनेटली मैं क्या यूज़ करूँगा? साइक्लोस्पोरिन ए। इसका सोर्स क्या था? ट्राइकोडर्मा, याद आ रहा है? यस, ट्राइकोडर्मा पोलिस। अरे भैया एकदम याद आ गया। चलिए ना, पोलिस्पोरम पूरा एकदम। यस, क्वेश्चन नंबर 30, अगेन एक ओपी सवाल है। सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू हेटरोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सर। हेटरोट्रॉपिक के लिए ऑड वन मतलब बाकी सारे हेटरोट्रॉप है बट दिस फेलो इज नॉट हेटरोट्रॉप। तो जल्दी से बता दो, ये ऑटोट्रॉप है? ब्लू ग्रीन एल्गी है ना ये? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, एनाबेना नॉस्टोकार, ब्लू ग्रीन एल्गी, याद आ रहा है? भूल गए? हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी में तो पढ़ा था तुमने, ऑटोट्रॉपिक था। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, एक और बढ़िया सवाल। देखो ऐसे सवाल मैं जानता हूँ बहुत कम बच्चों को इंटरेस्ट आता है बड़ा बड़ा सवाल देख के, लेकिन याद रखना नीट में लंबे लंबे सवाल ही आएंगे, छोटे नहीं आने वाले। सारा का सारा पेपर तो छोटे से नहीं भरेगा ना, थोड़ा तो बड़ा सवाल देगा। आइए, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। राइट, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कहाँ मिलता है? मैं एक बार लिख देता हूँ, केपीसी ऑफ ओके जीएस। जितना नीचे जाओगे कॉमन कैरेक्टर उतना ज्यादा मिलेगा, तो स्पीसीज में सबसे ज्यादा है तो स्पीसीज में सबसे ज्यादा हो जाएगा। राइट, है ना? ओके, तो स्पीसीज में सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पे तुमको आंसर दिख गया होगा एकदम सिंपल सिंपल, है ना? 3 आ गया तो ओके। चलिए नाउ देख लो, तुम यहाँ पे एकदम सिंपल मैं कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, इससे सारे सवाल सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 32, नाउ बायो फोर्टिफिकेशन का फायदा क्या होता है? हम कोई भी चीज में न्यूट्रिएंट और ऐड कर रहे हैं, है ना? न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं, वीट की वैरायटी बायो फोर्टिफाइड एट लास्ट 66। राइट, नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। 33 का सवाल करते हैं, लेट्स सी गाइस यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। आइए लेट्स सी, चलो जल्दी से इसका आंसर कर देना यहाँ पे गाइस। अब ये जो मैचिंग है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कैसे करेंगे? मेरे ऐसे देखती नजर में है मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट, मैं बी का 3 जल्दी से लगा दिया, मैं बोला बाकी तो होगा ही नहीं आंसर में। फॉस्फोराइलेशन, अब मैं देखूंगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूँ, फंस गया। ओके, कोई तो निकालो। मैं बोला यार क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मैंने पढ़ा था, हाँ जी यस। तो सी का 1 मैं जैसे ही देखा, मैं बोला अरे भाई आंसर आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यस गो फॉर इट। इनुलिन इज अ पॉलीसैकराइड, प्लीज याद रखना दिस इज अ पॉलीसैकराइड। ओके, इसका मोनोमर फ्रुक्टोज होता है। इनुलिन का काम कहाँ होता है? आप इसको रेनल फंक्शन टेस्ट, ओके, रेनल फंक्शन मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज कर सकते हो, आपके लेवल पे इतना जान के रखो। रूट्स ऑफ डालिया से मिलता है और खुश, ओके, रूट्स ऑफ डालिया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। ग्लैंड रिलेटेड विद द डायरनल रिदम। डायरनल रिदम हमारे बॉडी के बहुत सारे साइकिल्स को मेंटेन कर रहा है, पिगमेंटेशन को भी सम एक्सटेंट पे मेंटेन करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी को भी सम एक्सटेंट पे मेंटेन करता है। एनसीआरटी का लाइन है, दैट इज योर पीनियल। यस, पीनियल से आ रहा है, मेलाटोनिन। राइट, ओके, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर सवाल, चलो जल्दी से आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 36 का। आइए देखते हैं कौन इसका आंसर करने वाला है। ओके, हेलो जी, कॉन्ग्रेट्स। ओके, चलो इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यस ठीक है, मैं ले लूंगा क्लासेस। सिंगैमी, सिन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट ना। ओके, सिंपल सा लाइन था। क्वेश्चन नंबर 37, बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन डैश। बिग बैंग थ्योरी से क्या एक्सप्लेन हुआ? यस, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन ना एनसीईआरटी में तो लिखा गया है। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोइकिलो थर्मल। देखो एक होता है होम्यो थर्मल और एक है पोइकिलो। पोइकिलो कोल्ड ब्लडेड एनिमल पढ़ा है तुमने? यस, तो एव्स और मैमल होम्यो थर्मल होते हैं, तो ये रेप्टाइल है दिस फेलो, रेप्टाइल्स आर पोइकिलो थर्मल। हेलो जी, ओके, सो इसका आंसर दिस फेलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। 39 नंबर सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मोर एप लाइक। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आपको पता है ये सब सवाल मैं पूछता रहता हूँ। डैश वॉज मोर मैन लाइक, मोर एप लाइक। मोर एप लाइक वॉज ड्रायोपिथेकस, रामा पिथेकस वॉज मोर मैन लाइक, राइट? यही था क्या? क्या बोलते हो? यस, एकदम सही पढ़ा। चलिए, तो ड्राई हो जाएगा ना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 एनसीईआरटी का लाइन है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपियर्ड ऑन अर्थ अबाउट डैश। जल्दी से बता देना, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अपियर हुई भाई? लाइफ अपियर्ड ऑन अर्थ अबाउट डैश। क्या लगता है क्या होना चाहिए? अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो ना, एनसीईआरटी में तो लिखा गया है, सो याद रखना आपको। चलिए ना नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 41। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए किया जाता है? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या देख रहे हो? डीएनए का मूवमेंट हो रहा है, तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि कहाँ पे कटिंग हुई है, ये पता चल जाएगा ना कहाँ पे कटिंग हुई है। सो आंसर क्या आना चाहिए 41 का? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन चेक। वेरी गुड। देखो ये सब चीज़ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्यों? क्योंकि कैसा कटिंग हुआ आपको तभी तो पता चलेगा ना। ओके, जब आप उसको चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत। इसमें गलत क्या है जल्दी से बता देना। कल शाम में भी क्लास करेंगे, रात में भी करेंगे, ठीक है? और रात में कब से नहीं होगी क्लास ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि फिर मैं शाम में क्लास लेने लगूंगा। ओके, चलो आ जाओ, जल्दी से बता देना इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ये सिंपलेस्ट है, दिस इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, नॉट सल्फर कंटेनिंग, राइट? ओके, सल्फर कंटेनिंग में क्या हो जाता है? मिथियोनिन सिस्टीन पढ़ा है तुमने, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 43, अगेन एक चीट कोड का सवाल और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में है, ये कैटेगरी में है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में, क्योंकि एक बार आपको गुड डे वाला पूछ लिया है ना, तो ये वाला का चांस भी बढ़ जाता है। हर्षी चेज एक्सपेरिमेंट का सीक्वेंस, तो इसका सीक्वेंस का चीट कोड है आईबीसी, है ना? यही पढ़ा है ना तुमने, आईबीसी पढ़ा है, राइट? सो इसका चीट कोड याद रख लो तुम, आईबीसी इंपॉर्टेंट है ये। 43 का इन्फेक्शन ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूजेशन, ठीक है? तो इसका 43 का सी हो गया, 43 हो गया। आइए नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं गाइज, यहाँ पे इसका आंसर कर देना। लेट्स सी गाइज यहाँ पे, ओके चलिए आइए देखते हैं, लेट्स सी इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइज, जल्दी से। ये एनसीईआरटी में लिखा है ब्लैकमैनस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैनस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905, नॉर्मल कंडीशन में मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है? जल्दी से, CO2 सबने पढ़ा है भाई, कोई नई बात नहीं है ना, ये तो सिंपल था ना, CO2 पढ़ा था तो तुमने, नहीं पढ़ा जा क्या कर रहे हो, ये तो सब अलग अलग आंसर देने लग रहे हैं। एनसीईआरटी में तो लिखा था ना नॉर्मल फील्ड कंडीशन में फोटोसिंथेसिस के लिए, हाँ लाइट थोड़ी बोला था, CO2 बोला था ना, हाँ ओके। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 45 आ रहा है यहाँ पे, NADP+ इज रिड्यूस टू NADPH इन डैश। एक और प्यारा सा सवाल, मतलब ओपी सवाल है ये भी, लेट्स सी कौन इसका आंसर करेगा। ओके, जल्दी से बता दो यहाँ पे। अब याद करो, इसके लिए आपको चाहिए NADPH रिडक्टेज, याद आ रहा है NADPH क्या? नहीं भैया, हमको NADP रिडक्टेज चाहिए, इसको मेरे को रिड्यूस करवाना है ना, इसको रिड्यूस करवाना है। अगर तुम्हारा आंसर लूमेन ऑफ थायलाकॉइड है तो गलत है, ठीक है? अगर तुम PS2 मार रहे हो तो भी गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना एंजाइम वाला एक्शन, ये तो जेड स्कीम में पढ़ा था तुमने, लास्ट में जाके यहाँ हो रहा है बाहर की तरफ, है ना? मतलब मेम्ब्रेन पे आउटर साइड वाला पे तुमने पढ़ा है। सो इसका आंसर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जेड स्कीम में हो रहा था ना, जेड स्कीम, राइट? ओके यस, वेरी गुड, नॉन साइक्लिक वाला। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रेस्पेक्ट टू मॉडिफाइड टैप रूट। मॉडिफाइड टैप रूट के लिए ऑड वन क्या है? चलिए जल्दी से लगा दो इसमें, मॉडिफाइड टैप रूट के लिए ऑड वन। गाइस देखो, हम टारगेट करते हैं 200 लाइक, जल्दी से कर दीजिएगा, और नीट के बाद भी आपके लिए चैनल यूजफुल होने वाला है, सब्सक्राइब मार लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए भी तो पूछोगे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, है ना? ओके, और आप उससे पूछ सकते हो कि भाई जो मिनिमम एफर्ट्स में MBBS पास कर चुका है, राइट? एनीवेज, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एडवेंटिशियस रूट किसके पास होता है? स्वीट पोटैटो के पास, बोला हुआ लाइन है मेरा, स्वीट पोटैटो के पास एडवेंटिशियस वाला पढ़ा है तुमने, तो तुम कैसे इसमें टैप रूट वाला गेम खेल रहे हो? हाँ, स्वीट पोटैटो था ना। नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर सवाल आ रहा है, लेट्स सी।
मार्जिनल, सबको पता है मार्जिनल कहाँ पे होता है, मार्जिन से अटैच मटर के दाने वाला, यस एकदम लगा दीजिए फिर क्या हो जाएगा आंसर, हाँ पी लगा देते हैं, यस गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज गलत। सो गाइज इसमें कौन सा पेयर गलत है आपको बताना है, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। क्या लगता है गाइज इसमें से कौन सा गलत है, जल्दी से बता दो। मेज इज ए सी फोर प्लांट ना, सी फोर पढ़ा है तुमने तो SMS का चीट कोड सी फोर था है ना, सो यस ये तो रॉन्ग है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, होमोलॉजी कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई, जल्दी से बता दो। मतलब इसमें सारे के सारे होमोलोगस ऑर्गन है बट वन इज एनालॉगस, सो होमोलॉजी 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 बट दिस इज एनालॉजी है ना, एनालॉगस ऑर्गन्स राइट, सो दिस फेलो इज द आंसर ऑफ चॉइस ओवर हेयर। एनालॉजी में ए सी पढ़ा है, ए सी का मतलब क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और एच डी पढ़ा है मतलब होमोलोगस वाला डाइवर्जेंट होता है। आइए नाउ नेक्स्ट सवाल करें, क्वेश्चन नंबर 50, 50वां सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं तो वॉलेंट्री को तो काट दो। अब बचा स्ट्राइटेड होते हैं नॉन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड पड़ा है फ्यूजीफॉर्म नॉन स्ट्राइटेड, ठीक है 50 में कितना स्कोर आया बताना। बढ़िया सवाल थे, सारे के सारे सही गए तो वेल एंड गुड, गलत हुए तो और भी आपको क्लास करनी चाहिए, रिकॉर्डेड वाला देख लो एक बार ठीक है, रिकॉर्डेड वाला जल्दी से देख लेना, उसमें आई गेस मैंने और भी बढ़िया बढ़िया करवाए हैं, बाकी मैं और करवा दूंगा डोंट वरी। अभी थोड़ा सा आपके लिए लास्ट का एक हफ्ता हम लोग क्वेश्चन करवा देंगे ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको शेयर करना लाइक मार देना तभी मैं करवा पाऊंगा ना। चलो जाओ बाय बाय।